Gentlemen, I have arrived and there will be no withdrawal without written orders and these orders shall never be issued. यानी आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। सिर पर तिरछी टोपी, होठों पर सौंधी मुस्कान, मूछों पर ताव और बाद सी आंख लिए जब यह सैनिक युद्ध के मैदान में होता था तो दुश्मनों की सांसें रुकने लगती थी। जिसके हाजिर जवाबी के आगे भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी चुप हो जाया करती थी, जिसके जैसा बनने का सपना हर भारत का जवान देखता था। ये कहानी भारतीय इतिहास के सबसे जाबाज देशभक्त और निडर सेना के जवान की है। ये कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल की है, जिसने इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री को सेना का युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। आज कहानी फील्ड मार्शल सैम होर मुजी फ्रामजी जमशेद जी मोनिक शॉ की। शायद ही कभी उन्हें अपने पूरे नाम से बुलाया गया हो। आमतौर पर उन्हें सैम बहादुर बुलाया जाता था। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1947-1971 जैसे बड़े युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले सैम मोनिक शॉ के बारे में अनगिनत कहानियां मशहूर हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सैम मोनिक शॉ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच की बेतकल्लुफी की कहानी सुनाएंगे। हालांकि हम इसे अदावत नहीं कह सकते, क्योंकि मोनिक शॉ का मिजाज कड़क और अनुशासित था। वो किसी भी कैंप में जाते थे तो सेना के अधिकारियों से अधिक समय वो कम रैंक वाले जवानों के साथ बिताया करते थे। सैम के ADC ब्रिगेडियर बहराम पंथाकी अपनी किताब सैम मोनिक शॉ द मैन एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप ऑपरेशन रूम में नहीं घुस सकती क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। दरअसल उन दिनों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान सीमा क्षेत्रों के दौरे पर थे। इस दौरान इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। दोनों से जुड़ा किस्सा मेजर जनरल वीके सिंह सुनाते हैं। वो कहते हैं, एक बार इंदिरा गांधी जब विदेश यात्रा से लौटी तो मोनिक शॉ उन्हें रिसीव करने पालम हवाई अड्डे गए। इंदिरा गांधी को देखते ही उन्होंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल जबरदस्त लग रहा है। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराई और बोली, किसी ने तो इसे नोटिस ही नहीं किया। एक और कहानी जो सैम के हिम्मत की गवाही देता है। दरअसल 1971 में जब इंदिरा गांधी ने सैम को बुलाकर युद्ध की तैयारी करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो उस वक्त तैयार नहीं थे और उन्हें अपने जवानों का जीवन बहुत प्यारा था। इसके बाद इंदिरा गांधी को चिंतित देख मोनिक शॉ ने कहा था, अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं स्वीटी। वे शायद अकेले व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी को स्वीटी पुकार सकते थे। इंदिरा गांधी से अपने करीबी संबंधों के बारे में मोनिक शॉ ने उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री अ लाइफ लिव्ड सच में खुलकर बात की है। एक बार इंदिरा गांधी ने उनसे पूछ लिया था कि तुम तख्ता पलट तो नहीं करने वाले, तो मोनिक शॉ ने अपने अंदाज में उनके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर उन्हें बताया था, देखो हम दोनों की ही नाक लंबी है पर मैं दूसरों के मामलों में अपनी नाक नहीं घुसाता। सैम मोनिक शॉ का एक और किस्सा बहुत याद किया जाता है, जब उन्होंने 1000 रुपए के बदले आधा पाकिस्तान ले लिया था। सैम के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। साल 1947 में जब याया खान ने विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो सैम उस मोटरसाइकिल को याया खान को बेचने के लिए तैयार हो गए। दाम लगाया गया 1000 रुपया। याया खान मोटरसाइकिल पाकिस्तान ले गए और वादा कर गए कि जल्द ही पैसे भिजवा देंगे। सालों बीत गए लेकिन सैम के पास वो चेक कभी नहीं आया। बहुत सालों बाद जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो मोनिक शॉ और याया खान अपने अपने देशों के सेनाध्यक्ष थे। लड़ाई जीतने के बाद सैम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैंने याया खान के चेक का 24 सालों तक इंतजार किया लेकिन वह कभी नहीं आया। आखिरकार उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुकाया।